व्हाट्सअप क्या हाल चाल है वेस। बढ़िया झकास बिंदास। तो आप बिहार से हो या कहीं से भी हो, तो आप अगर जानना चाहते हो कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी कैसा है, जो प्रेमनगर में इंडियन मिलिट्री बेस के पास जो यूनिवर्सिटी है हाईवे के साइड में, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जिसे बहुत बड़े बड़े हस्ती ने वहाँ से पढ़ के अपने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट किया है, तो आप भी चाहते हो अगर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आप भी एडमिशन लेके BBA BCA BTech या जो भी उसमें कोर्स होता है MBA MCA, तो सारी चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपको इनरोल यूनिवर्सिटी के बारे में हर चीज़ बताने वाला हूँ। वहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी, वहाँ पे कितना यूनिवर्सिटी कैसा है, यूनिवर्सिटी का रिव्यू कैसा है, प्लेसमेंट कैसा गया है पिछले साल, आगे आने वाला अगर आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगा या नहीं, आप कहाँ से हो और कैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा, आखिर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का पूरा डिटेल क्या है, तो आज के इस वीडियो में हर चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू आशीष बाजी चैनल। तो भाई साहब अपने लड़के हो, तो भाई साहब इस चैनल पर आपको उत्तरांचल यूनिवर्सिटी लेके हर वीडियो आपको मिल जाएगा, तो चेकआउट करो यार, फटाक से जाओ और चेकआउट करो। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएगा, और भी कोई अगर आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हो तो वही मैं बताऊंगा एडमिशन लेने का एक रियल प्रोसेस क्या होता है, आप कैसे एडमिशन लेते हो तो आपको वहां पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके तो चलो ऐसे से हम बात करते हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का। तो आपको पता है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है प्रेमनगर के पास, जहाँ इंडियन मिलिट्री बेस है, वहाँ पे आपको ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ा भव्य आपको देखने को मिलेगा। ओके और उस यूनिवर्सिटी की हम बात करें, दूसरी बात हम करें उस यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले हम बात करें कि यूनिवर्सिटी कैसा है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अगर उसके हिसाब से देखा जाए उसका डिज़ाइन या फिर वहाँ पे कितना बड़ा एकड़ है, तो ये 360 एकड़ में फैला हुआ एक यूनिवर्सिटी है, जो कि एक यूनिवर्सिटी है, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक टोटल एक यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको 99 आउट ऑफ 100 मिलता है, क्योंकि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मैं भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो मुझे जहाँ तक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का लगा तो काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि आप लोग देख लियो। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो प्लेसमेंट रिगार्डिंग हम बात करें तो प्लेसमेंट इस यूनिवर्सिटी में कोर्स बाय कोर्स है। ओके अगर आप यहाँ से मेडिकल करते हैं फिर अलग उसमें प्लेसमेंट है, अगर आप वहाँ से नॉन मेडिकल करते हैं जैसे कि BBA BCA BTech या फिर क्या बोलते हैं MBA MCA, ये सारा कोर्स का प्लेसमेंट बहुत ही अलग अलग डिफरेंट वाइज है। अगर आप लोग चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं हर कोर्स के ऊपर एक अलग अलग प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपको आके एक ट्रू एक रियल एक सच में एक आंकड़ा एक नंबर आपको मैं बता दूंगा कि आखिर रियल प्लेसमेंट कितना लगता है, और भाई साहब जो गूगल पे दिखाता है वो तो फेक ही रहता है। तीसरा हम बात करें इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का, तो हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको 1,10,000 के समथिंग में आपको दो बेड का अति क्या बोलते हैं दो रूममेट का एक आपको हॉस्टल मिल जाता है। अगर उस हॉस्टल में हम बात करें तो हॉस्टल का उसमें आपको बाथरूम अटैच मिलता है, हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा, वहाँ पर ब्लॉक ए ब्लॉक टू और काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला हॉस्टल है, तो आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके हॉस्टल ले सकते हो। वहाँ पे मेरा खुद का भाई पढ़ता है इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है, और जिस यूनिवर्सिटी में मेरा कोई नहीं पढ़ता मैं उस यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग वीडियो ही नहीं बनाता हूँ। ओके तो आप लोग की हम बात करें, सबसे पहले अब हम बात करते हैं आखिर एडमिशन प्रोसेस 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है, 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस वो कैसे रहने वाला है। तो मैं आप लोग बताऊँ, देखो भाई एडमिशन भाई तीन तरह के होता है, एक होता है आप खुद से फॉर्म फिलअप करके एडमिशन करवाते हो, दूसरा आपको कोई थर्ड पार्टी काउंसलर आपका एडमिशन करवाता है, तीसरा होता है स्टूडेंट रेफरल। तो हम आज हम बात करने वाले पहला दूसरा पॉइंट में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंसलर और खुद से एडमिशन लेते हो, मान लो आप बिहार के स्टूडेंट हो। ओके मान लो कि अगर आप कैश देके पढ़ रहे हो तब तो ठीक सही है, अगर आप DRCC लोन लेके पढ़ रहे हो, अगर आप बिहार के नहीं हो तो आपको DRCC के बारे में नहीं पता होगा, बट अगर आप बिहार के और DRCC लोन के बारे में लेके पढ़ रहे हो तो एक बात भाई बताओ मुझे, आपने एडमिशन लिया, ओके एडमिशन लिया, अब वो काउंसलर हो या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया, तो वहाँ से बोना फाइट आना लोन पास होना बहुत ही ज़्यादा झंझट रहता है। ओके तो काउंसलर आप जब स्टार्टिंग में एडमिशन करवाओगे तो काउंसलर आपको बोलेगा मैं आपको करवा दूंगा एडमिशन, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, पर जब सच्चाई होती है जब भाई रियल बातें आती है तो उस टाइम वो साथ नहीं देता है। तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट रेफर के थ्रू एडमिशन लो। स्टूडेंट रेफर में क्या होता है कि स्टूडेंट जो उस कॉलेज का स्टूडेंट रहता है वही आपका एडमिशन करवाता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट मिलता है, जो कॉलेज रहता है जो कॉलेज वाले रहते हैं वो आपको समझते हैं, उनको पता है कि किसी स्टूडेंट ने आपको रेफर किया है तो वो आपको बढ़िया से टेक केयर करते हैं। अगर आपका पेमेंट फंसता भी है या फिर आप कैसे भी पढ़ाई करते हो तो अगर आपका पेमेंट देने में लेट भी होता है या थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको भाई सब परेशान नहीं किया जाएगा, वहीं अगर आप काउंसलर के थ्रू एडमिशन लोगे या फिर डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू एडमिशन लोगे तो वहाँ पर वो परेशान करते हैं पैसे को लेकर। तो एक ही बात मैं बताऊंगा, स्टूडेंट रेफरल के थ्रू एडमिशन लिया करो।
अब आप बोलोगे कि मैं कैसे स्टूडेंट रेफर के थ्रू एडमिशन लूँ अगर आपका वहाँ पे कोई नहीं है, अगर आपका कोई भाई है, चाचा का बेटा या कोई भी हो तो आप उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हो, बट अगर आप वहाँ पे आपका कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे अगर आपका कोई नहीं पढ़ता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे से आप बात कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है। तो हम कॉलेज को ओवरऑल बात करें तो कॉलेज को हम 80 आउट ऑफ 100 देते हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है।